नमस्कार जी। नमस्कार सर, कितने ट्रैक्टर निकले आज? तुम्हारे सामने कोई गिनती नहीं ट्रैक्टरों की, इस हालात में कोई गिनती नहीं कर सकता। कम से कम 500-600 ट्रैक्टर तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं, और अभी और आने लग रहे हैं। तो आज का मतलब क्या प्लान है केएमपी को जाम करने का? प्लान सीधा है, केएमपी को जाम करने का नहीं है। केएमपी के ऊपर प्रदर्शन है किसानों का आज, इन तीन काले कानूनों के खिलाफ और एमएसपी लागू करने के लिए, ये आज का प्रदर्शन है। और इससे इस बैरी कांग्रेस के नाम जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने 8 मीटिंग करके भी कोई रिजल्ट नहीं निकाला, उसके कान खोलने के लिए कि किसान रो देगा, मतदा किसान को किसान रो देगा, करकती जड़ तक हो देगा, सीधी सी बात है। उस बात को के लिए उनको आगाह करने के लिए कि आज किसान जिंदा है, जागरूक है, अपने हक की लड़ाई के लिए एकदम एकजुट होकर के आगे बढ़ रहा है, और ये कानून वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी का लागू कानूनी हिसाब से लागू करना पड़ेगा। आज के प्रदर्शन से कितना असर पड़ेगा सरकार के ऊपर, क्या लगता है? अगर कहीं मन बुद्धि उनकी ठीक है और अपनी जनता और विशेष रूप से इस अन्नदाता के प्रति कोई हमदर्दी है, तो आज का ये सारा सब कुछ देख करके कल की जो मीटिंग है उसमें सारा समाधान कर देना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, ये हम केएमपी पे जो आज किसान संगठन ने जो परेड का वो कराया है कि ट्रैक्टर मार्च का, तो उसमें शामिल होने के लिए यहाँ से हजारों ट्रैक्टर अपने में मल्के किसान वहाँ पर लेके जाएंगे, तो उसमें हिस्सा लेंगे। हजारों ट्रैक्टर जाएंगे सर यहाँ? हाँ, हजारों ट्रैक्टर जाएंगे मैं मल्के। तो आज की जो परेड है वो किसके लिए तैयारी की जा रही है, 26 जनवरी के लिए? वो तो देखो ऊपर किसान संगठन वाले बताएंगे, लेकिन ये है ठीक है, इससे दबाव बनाने के लिए सरकार के ऊपर तो सारे महमल के जितने भी किसान नौजवान है, बुजुर्ग है, सारे किसान मिलके इसमें अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सर, अब तक हमने देखा ट्रैक्टरों पर किसान यूनियन के झंडे थे, लेकिन आज देख रहे ज्यादातर भारतीय तिरंगा ट्रैक्टरों पर है। देखो ये भारतीय तिरंगे में ही सब कुछ आ जाता है, इस तिरंगे में सारा सब कुछ है, उसमें चाहे कोई किसान का हो चाहे और दूसरे जितने भी किसान यूनियनों के झंडे, वो सब इस तिरंगे में सम्मिलित है सारे, और इससे बड़ा हमारे लिए और कोई नहीं है, इसमें ही सारे सब कुछ आ जाते हैं। तो यहाँ से कितनी देर में निकलोगे दिल्ली के लिए? यहाँ से बस अभी आ जाते हैं, अभी और ट्रैक्टर आने लग रहे हैं, रास्ते में है, गांव से इकट्ठे हो गए, थोड़ी देर में आधा घंटे में हम यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों आज देखा आज पूरा कैंप भी जाम करने की योजना है भाई, उम्मीद तो है बिल्कुल जाम हो जाएगा। केएमपी के यहाँ से लेकर पूरा भादरगढ़ तक केएमपी तक जाएंगे पूरे किसान मैं मलके से, हजारों ट्रैक्टर जाएंगे आज, और बहुत बढ़िया बढ़ चढ़ के शांति प्रिय ढंग से हम ये प्रदर्शन करेंगे आज। क्या लगता है आज के प्रदर्शन से सरकार के ऊपर असर पड़ेगा? भाई पढ़ना तो चाहिए देखो भाई, और सरकार को मानने भी चाहिए। ये देखो तीन जो ये काले कानून हैं ये बिल्कुल किसान विरोधी हैं, सरकार को जितना जल्दी हो सके इनको वापस ले लेना चाहिए, ताकि सारे किसान जो हमारे बुजुर्ग हैं 80-85 साल के बुजुर्ग जो बॉर्डर पर बैठे हैं, टिकरी बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर बैठे हैं, गाजियाबाद बॉर्डर पर बैठे हैं, उनको राहत मिले। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि ऐसा ये एक किसान आंदोलन ना हो गया, एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। लगातार किसान जो है बारिश में वहाँ पर डटे हुए हैं, क्या महमल कैसे लगातार उनके लिए जो सामग्री भेजी जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखो पीछे परसों हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का 4 तारीख को जन्मदिन था, तो उनके आह्वान पर जो उन्होंने कहा था कि मेरे पास ना आकर किसानों के पास जाकर, तो उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर महमल के जो युवा साथी हैं वहाँ पर किसानों के बीच में जाकर सामग्री, खाद्य सामग्री, पानी वगैरह, मूँगफलियाँ वगैरह वहाँ पर हम बांट के आए उनको, और वहाँ पर हमने भाई दीपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन मनाया। धन्यवाद। ठीक है, किसान एकता, काले कानून वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, एमएसपी का कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ, किसान एकता, जिंदाबाद, 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 अपने हक लेकर आएंगे, अपने हक लेकर आएंगे, अपने हक लेकर आएंगे, किसान एकता, जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद, किसान एकता, जिंदाबाद।